Okay, so hello everyone, good evening and welcome back to the Unacademy's YouTube channel. My name is Ashish Mallik, and as you know guys, it's what should I say, I mean, elections are over today and we have again got a majority of the government, you know. So now the point of the concern is, if there is no opposition in the country, I don't know why where this majority will lead. I mean, what I can say as of now, yes, definitely India will change in the next couple, in the next 5 years, but that time will tell for a good or for a bad. But anyways, this is something which was, that was unexpected. I mean, I felt like it was a UPSC exam, isn't it? Like that was unexpected, totally unexpected it was, right? But anyways, guys, whatever it is, we all are here to witness that. Right, and finally the election thing and all are over. So now the next biggest surprise, this was a very big surprise for everyone, right? So the next biggest surprise, which will be there now, it's going to be on 2nd June. So you guys should be very well prepared for the 2nd June, because that day you might get a bigger surprise what you just got today, right? Chali, bahut badhiya. और आज हमारा एक रिवीजन मॉड्यूल है गाइस, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे. एनवायरमेंटल चलो कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, अभी अब कोई पॉलिटिकल कमेंट्स मत कीजिए प्लीज. इसको पॉलिटिकल चैनल नहीं बनाते, पता लगे मेरे नाम पे ही कोई वारंट निकल गया. ठीक है, यस एग्जैक्टली. गोविंद मिश्रा ने बहुत खूबसूरत बात कही है, क्लियरिंग यूपीएससी आर इलेक्शन. गाइस सरकार कोई भी हो, सरकार चलानी आप लोगों को है, आप ही लोग आने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं. सरकार नेता आते जाते रहेंगे, ब्यूरोक्रेट जो है वो देश को चलाते रहेंगे. चलिए, सो एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करेंगे आज रिवीजन मॉड्यूल में. गाइस माय नेम इज आशीष मलिक एज ऑल ऑफ यू नो, और आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज की, क्योंकि एनवायरमेंटल का ही है आज, राइट? या एनवायरमेंटल इश्यूज का इलेक्शन नंबर 2 था. जो लोग आज मुझे पहले, या सो आज जो लोग मुझे पहली बार सुनने वाले हैं गाइस, लेट मी टेल यू, आई आल्सो टीच लाइव ऑन अनअकैडमी प्लस. मैं अनअकैडमी प्लस पे लाइव भी पढ़ाता हूँ. सो अनअकैडमी प्लस के लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए, फ्री डेमो क्लासेस के लिए, जैसे आज मेरी एक फ्री डेमो क्लास है, तो आप लोग सब लोग आकर के अटेंड कर सकते हैं 10 PM पे. सो एग्जैक्टली एट 10 PM वी हैव अ मैप मार्किंग क्लास. तो आप लोगों में से जितने भी आप आज मैप मार्किंग अटेंड करना चाहते हैं, इंडिया का मैप अपने साथ ज़रूर रखिएगा, और 10 बजे मेरी क्लास अटेंड कीजिए अनअकैडमी प्लस पे फ्री में, एंड यू विल आल्सो गेट अ चांस टू एक्सपीरियंस. आपको पता चलेगा हाउ अनअकैडमी प्लस वर्क्स. और बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज और हैं गाइस जो मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूँ, चाहे वो ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी फाउंडेशनल कोर्स है, MCQs की टेस्ट सीरीज है, मेन्स आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग से लेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और बहुत सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, राइट? चलिए, सो लेट्स बिगिन विद दैट. एंड गाइस जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप अनअकैडमी प्लस पे फुल कोर्सेज के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है. आप सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस को, और सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फॉर 1 month, 3 month, 6 months एंड 12 months, जो जहाँ पे ऑलरेडी चला हुआ है, बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं. अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है आशीष मलिक 8996, यू विल ऑल्सो गेट अ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के अलावा आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलती रहेगी, मेरी मेंटरशिप मिलती रहेगी थ्रू आउट योर मेन्स, थ्रू आउट योर इंटरव्यू लेवल. सो अगर आप चाहते हैं कि आप यू नो बेनिफिट उठाएं सभी कोर्सेज का, आज ही जाके अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए. जिसके जो भी डाउट्स हो अनअकैडमी प्लस के लिए, आप जरूर मुझे बताइए. चलिए, सो गाइस लेट्स बिगिन विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, राइट? सो सबसे पहले एनवायरमेंटल इश्यूज में हम लोग बात करेंगे आज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की. और गाइस आज हमारा जो डिस्कशन होगा, दैट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड जस्ट ओनली ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज. अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं कुछ इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में बात करूंगा, कुछ और सोशल इश्यूज के बारे में मैं बात करूंगा, और आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा, क्योंकि कोर्स में मेंशन नहीं था, बट स्टिल थोड़ा सा आज हम लोग एक एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे.
लेट्स बिगिन विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन गाइस. सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, दो इंपॉर्टेंट कमिटी और रिपोर्ट है हमारे पास. वन वी कॉल्ड एज गडगिल कमिटी एंड द अदर वन वी कॉल्ड एज द कस्तूरी रंजन रिपोर्ट. आई एम श्योर आप लोगों ने इसको जरूर सुना होगा गाइस, काफी बार न्यूज में रहा है, काफी बार आपको आता रहता है इंपॉर्टेंट चीजें. सो सबसे पहले बात करते हैं गडगिल कमेटी की. तो गडगिल कमेटी क्यों हमें पता होनी चाहिए, क्यों हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए? वेल, गडगिल कमेटी इट डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स फॉर द पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल मैनेजमेंट. क्या किया गडगिल कमेटी ने? गडगिल कमेटी ने एग्जैक्टली वेस्टर्न घाट्स, जो हमारा राइट फ्रॉम द साउथ ऑफ गुजरात से लेकर के अप टू पूरा आपका नीलगिरी तक आता है, तो उस पूरे को एक बाउंड्री प्रॉपर डिफाइन की गई वेस्टर्न घाट्स की, ताकि उसको इकोलॉजिकली अच्छे से मैनेज किया जा सके. एंड गडगिल कमेटी प्रपोज दैट दिस एंटायर एरिया बी डेजिग्नेटेड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. इसको हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बोलेंगे. तो ये वेस्टर्न घाट्स को डेजिग्नेटेड किया गया. उसके बाद विद इन दिस पर्टिकुलर एरिया, इसी एरिया के पर्टिकुलर किसी के बीच में, द स्मॉलर रीजन्स दे वर टू बी आइडेंटिफाइड एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स. पूरे वेस्टर्न घाट्स के अंदर अलग अलग डिवाइड किए गए बहुत सारे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स, जोन नंबर वन, जोन नंबर टू, जोन नंबर थ्री, इस तरह से हमने डिवाइड किया बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग कंडीशंस एंड नेचर ऑफ द थ्रेट. अगेन समथिंग एल्स विच वॉज प्रपोज बाय द कमेटी, गडगिल कमेटी, वॉज टू डिवाइड द एरिया इंटू 2200 ग्रिड्स, ऑफ विच 75% वुड फॉल अंडर इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन वन एंड टू और अंडर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द प्रोटेक्टेड एरिया सच वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स. और कमिटी ने एक आखिरी चीज जो प्रपोज की गई वो ये थी दैट इट प्रपोज अ वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल अथॉरिटी टू रेगुलेट दीज एक्टिविटीज इन द एरिया. तो उन्होंने बोला कि वेस्टर्न घाट के लिए एक रेगुलेटरी, इकोलॉजिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए इन सभी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए. तो उसको भी प्रपोज किया गया. आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कई बार, डायरेक्टली आते हैं, जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि बताइए कौन कौन से प्रपोजल्स दिए गडगिल कमेटी ने, या गडगिल कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पहले भी आए यूपीएससी में, आगे भी आते रहेंगे. वेल इट सेज नाउ व्हाट वाज द नीड फॉर द सब्सिक्वेंट कस्तूरी रंजन कमेटी. अगर गडगिल कमेटी हो गया तो कस्तूरी रंजन कमेटी का हमें फिर क्यों जरूरत पड़ी? वेल गाइज, नन ऑफ द सिक्स कंसर्न स्टेट्स विद द रिकमेंडेशंस, दे अग्रीड विद द रिकमेंडेशन ऑफ गडगिल कमेटी. कौन कौन से छह स्टेट हैं मुझे, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में. क्योंकि जो छह स्टेट्स, जिन छह स्टेट्स के अंदर वेस्टर्न घाट बटे हुए हैं, उनमें से किसी भी स्टेट ने एग्री नहीं किया था रिकमेंडेशंस को गडगिल कमेटी के, वो छह स्टेट मुझे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे. सो इसीलिए फिर से एक रिपोर्ट सबमिट की गई और 2012 के अंदर एनवायरमेंट मिनिस्टर जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप को उन्होंने बनाया वेस्टर्न घाट्स के ऊपर अंडर द कस्तूरी रंजन टू एग्जामिन द गडगिल कमेटी. ताकि कस्तूरी रंजन कमेटी यानी बाद में आई है, ये बात क्लियर हो रही है, पहले गडगिल कमेटी थी, उसी का बाद में आया उसको एग्जामिन करने के लिए कस्तूरी रंजन. अब कस्तूरी रंजन ने क्या दिया? फॉरेस्ट जो एरिया है गाइस, फॉरेस्ट कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट. फॉरेस्ट हमेशा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता, राइट. शुभांकर ने आंसर दिया, शुभम शिवकर ने आंसर दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. ठीक है, गुड, वेरी गुड गाइस. ठीक है, तो ये हो गया आपका. अब क्या रिकमेंड किया कस्तूरी रंजन कमेटी ने, ये जानना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए. वेल, अ बैन ऑन द माइनिंग, क्वारिंग एंड सैंड माइनिंग. सबसे पहले बोला गया कि माइनिंग के ऊपर बैन किया जाए, क्वारिंग के ऊपर बैन किया जाए, सैंड माइनिंग के ऊपर बैन किया जाए. कोई नया थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उनको थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन कोई भी नो न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट वुड बी अलाउड. अ बैन ऑन न्यू पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, ये बोला गया जितने भी नए पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं सब पे बैन लगाया जाए. बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अप टू 20,000 स्क्वायर किलोमीटर वॉज टू बी अलाउड बट टाउनशिप्स वर नॉट टू बी बैन. जितने भी टाउनशिप थी गाइस सबको बैन किया गया कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन सकते हैं 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक के, लेकिन टाउनशिप को कंप्लीटली बैन किया गया. किसने किया? कस्तूरी रंजन कमेटी ने. एंड फॉरेस्ट डिविजन कुड बी अलाउड विद एक्स्ट्रा सेफ गार्ड. आपको फॉरेस्ट डिविजन बनानी है, डायवर्जन, फॉरेस्ट को डाइवर्ट करना है,
ठीक है, फॉरेस्ट को डाइवर्ट कीजिए, अलाउड है, लेकिन काफ़ी सारे सेफ गार्ड के साथ में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था इको सेंसिटिव जोन, तो जानना जरूरी है गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट एग्जैक्टली द इको सेंसिटिव जोन्स आर। वेल, इफ यू गो थ्रू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस व्हिच सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन टू द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, सो सुप्रीम कोर्ट हैज एक्चुअली डायरेक्टेड द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू डिक्लेयर अ 10 किलोमीटर एरिया अराउंड 21 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज इको सेंसिटिव जोन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनके आसपास का 10 किलोमीटर एरिया को बनाया जाए इको सेंसिटिव जोन। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक द इनिशिएटिव आफ्टर इट्स एमिकस क्यूरे इनफॉर्म्ड दैट द कोर्ट दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टेकन नो एफर्ट टू प्रोटेक्ट द एरिया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जिसे हम कह सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक होता है जुडिशियल ओवररीच। यहाँ मैं ओवररीच की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जुडिशियल एक्टिविज्म की। अब डिफाइन कैसे करते हैं हम इको सेंसिटिव जोन को, ये आपके एमसीक्यूज में जरूरी काम आएगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली। वेल, टॉकिंग अबाउट द इको सेंसिटिव जोन्स, यू हैव टू सी दैट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डज नॉट मेंशन द वर्ड इको सेंसिटिव जोन। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1986 की जो बहुत फेमस एक्ट है आपको जरूर पता होगा, लेकिन उसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके अंदर मेंशन नहीं किया गया इको सेंसिटिव जोन का जो वर्ड है, जो कॉन्सेप्ट है। एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट दिस सेक्शन 3(2) ऑफ द एक्ट, सेक्शन 3 सब पार्ट 2 के अंदर ये जरूर बोला गया है दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट द एरियाज in which any industries, operations or processes shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguards. ये बोला गया है कि central government के पास authority है कि वो किसी particular area को industries के लिए, operations के लिए, process के लिए मना कर सकती है use करने के लिए, और अगर use करना भी है तो safeguard के साथ, restriction के साथ बोला जा सकता है। इसी तरह से सेक्शन 5 की अगर बात करेंगे, यही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 5 की बात करेंगे, उसमें भी बोला गया है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्चुअली प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कैरिंग ऑन सर्टन ऑपरेशंस यू नो ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशंस लाइक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया। किसी भी जगह की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखते हुए, वहाँ के मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट्स को देखते हुए कि कितना पोल्यूटेंट्स का कितना कॉन्सेंट्रेशन उस एरिया में है और कहाँ पे एनवायरमेंटली कंपैटिबल लैंड यूज हम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लिमिटेशन कर सकते हैं। और यही वो दो क्लॉज थे गाइस, सेक्शन 3 सब पार्ट 2, सेक्शन 5 सब पार्ट 1 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिनके तहत गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया इको सेंसिटिव जोन्स को, जिनको हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज। उनको हम बोलते हैं इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज या इको सेंसिटिव जोन, एक ही बात है, राइट? गायत्री, जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हेन जुडिशरी समटाइम्स टेक अप इनिशिएटिव टू एट लीस्ट इंक्वायर इनटू द लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट इज डूइंग ऑन सर्टन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दे देमसेल्व्स डू नॉट मेक द लॉज but they strictly and very very strictly ask the executives and legislatures to act on a certain act to act on a certain issue. So that is what is called as judicial activism, where judiciary directs that you are supposed to do this. So here basically in judicial activism, Gayatri, judiciary is just directing them what to do, what not to do. Like they can ask you, okay, tell me what about the status of the Ganga Clean Project, Clean Ganga Project. But this is different from judicial overreach. In judicial overreach, what happens? Supreme Court or any court, basically judiciary, actually start taking up the work of legislature, enters into the step of legislature and start legislations. That would be a problem. Because it is clearly mentioned and it is a part of basic structure of our constitution that we should always respect and we should always go for a separation of the powers. Judiciary, executive, legislature, they cannot overlap the functions. So, judicial overreach is sometimes which you can understand as a breach of that separation. But judicial activism is something
which, of course, being a protector of the Constitution, sometimes Supreme Court has to do. I hope the point is clear now, right? Now, criteria kya hai? Criteria kya rakha gaya hai, guys? Kisi bhi jagah ko ecological sensitive zone banane ke liye, eco sensitive zone banane ke liye, ya economic ecological fragile area declare karne ke liye. Ministry of Environment Forest jo hai wo, it has approved a comprehensive set of guidelines laying down the parameters and criteria for declaring the eco sensitive areas. And these areas include, these specific guidelines include species based. मतलब कि इको सेंसिटिव जोन बनाया जा सकता है स्पीशीज के बेसिस पे कि एंडेमिज्म यानी वहां पे जो बिलोंग करते हैं कोई रेयर कुछ ऐसा आपको मिला तो बेस्ड ऑन एंडेमिज्म एंड रेयरिटी इन दो चीजों पे जो है आप डिवीजन कर सकते हैं इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर सकते हैं. सेकंड क्राइटेरिया है इको सेंसिटिव बेस्ड. पहला स्पीसीज बेस्ड, सेकेंड वॉज इको सिस्टम बेस्ड जहाँ पे सेक्रेट ग्रूव्स के आधार पे फ्रंटियर फॉरेस्ट के आधार पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. थर्ड पार्ट सेज as geomorphologic feature. Geomorphologic feature kya hai? It is based on uninhabited island, origin of the rivers. Inke basis pe bhi hum isko divide kar sakte hain, right? And guys, I hope aap logon ne 10 baje ki class mein enroll kar liya hoga, because 10 baje jo hamari class hone wali hai, special class hai. Map marking ki class bilkul bhi miss mat kijiye. 10 baje ki class is going to be very very important on Unacademy Plus. Aana mat boliye at 10 p.m. at Unacademy Plus. Free of cost, demo class hai. Now, second important topic which I would be covering with you guys, that we'll talk about so, it talks about biodiversity award for Arunachal Reserve. Now, what this is all about? Let's focus on that, guys. Now, you should know that अभी क्या हुआ है एक्चुअली सिंगचुंग बुगुन विलेज जो कम्युनिटी रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश का दैट हैज अवार्डेड इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड. जो सिंगचुंग बुगुन जो विलेज है कम्युनिटी रिजर्व उसको मिला है रिसेंटली इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड. किस चीज के लिए? उसके एफर्ट्स के लिए टू कंजर्व द क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड बुगुन लियोचिला. जो ये बर्ड है गाइस बुगुन लियोचिला जो बर्ड है इसको कंजर्व करने के लिए सिंगचुंग बुगुन विलेज जो कम्युनिटी रिजर्व है उसको मिला है एक बायोडायवर्सिटी अवार्ड. थोड़ी सी बात करते हैं इस बर्ड के बारे में. स्पेशल है बुगुन लियोचिला के बारे में. इट वाज डिस्कवर्ड 2006 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया. कहाँ से डिस्कवर किया? वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का वहां से इसको डिस्कवर किया गया. बर्ड को नाम दिया गया इन द ऑनर ऑफ द एफर्ट ऑफ द बुगुन कम्युनिटी ऑफ सिंगचुंग विलेज इन कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट ऑफ द एरिया. ठीक है, तो अब देखिए हाउ टू एनरोल ऑन प्लस. पवन कुमार एंड अवनी, आप लोगों को, आप लोग मेरे प्रोफाइल पे जाइए, अनअकैडमी पे मेरे प्रोफाइल पे जाइए, वहां पे लिंक गिवन होगा, वहां पे लिंक दिया हुआ है, राइट? वो स्पेशल क्लास के लिंक पे क्लिक कीजिए, आप एनरोल कर पाएंगे अपने आप को. राइट, सो हम लोग बात कर रहे थे बुगुन लियोचिला की गाइस. तो उन उस बुगुन कम्युनिटी को ऑनर करने के लिए इसका नाम रखा गया. और अभी ये मालूम पड़ता है कि जो इसकी स्पीसीज है लगभग ज्यादा नहीं है, सिर्फ 14 या 20 ही बर्ड्स बचे हैं. आप सोचिए, देखिए, सिर्फ 14 या 20 बर्ड अभी बचे हैं हमारे पास बुगुन लियोचिला के, और बहुत ही छोटे से एरिया में, 3 से 4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही कन्फाइंड है इन द टेम्परेट फॉरेस्ट विच इज एंटायरली विद द ट्रेडिशनल लैंड्स ऑफ सिंगचुंग विलेज. अब इसका इंटरनेशनल जो IUCN स्टेटस है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN स्टेटस क्या है इस पर्टिकुलर स्पीसीज का बुगुन लियोचिला का? वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. आप देख ही सकते हैं गाइस, आप समझ रहे होंगे आई एम श्योर कि 14 से 20 बचे हैं जब आखिरी ऐसी स्थिति आ गई है. ये तो वही वाली बात हुई कि जैसी हालत अभी हमारे देश में बड़े बड़े नेशनल पार्टीज की हो रही है, ये तो वो वाला हाल हुआ. तो अब मुझे लगता है कि अब तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी स्टेटस देना पड़ेगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट का भी आ सकता है जिस तरह से अभी चल रहा है हमारे देश में. तो मुझे लगता है कि अब तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी IUCN को रेटिंग दे देनी चाहिए,
कि कौन कौन सा किस किस का स्टेटस है, कौन खत्म होने वाली है, कौन खत्म हो चुकी है, कौन कौन सी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, तो वो अभी पता चलेगा. राइट, हो सकता है ये भी नया रूल आ जाए, यू नेवर नो क्या हो जाए, मोदी राज में कुछ भी पॉसिबल है वैसे. अच्छा, अब आप मुझे बताइए कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं. दो चीज़ें होती हैं गाइस, कम्युनिटी रिजर्व और एक होता है कंजर्वेशन रिजर्व्स. ठीक है, दो चीज़ें होती हैं. राइट, या सो अभी हम बात करेंगे कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में और कंजर्वेशन रिजर्व्स के बारे में. दो अलग अलग चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है. कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स इन इंडिया, दे आर द टर्म डिनोटिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया. ये दो चीजें क्या डिनोट करती हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं हमारी कंट्री की उनको डिनोट करती हैं बेसिकली. ठीक है, विच टिपिकली एक्ट एज अ बफर जोन टू एंड कनेक्टर्स एंड माइग्रेटर्स कॉरिडोर के बीच में बात करती हैं. अगर देश ये वो एरियाज होती हैं गाइस बेसिकली जिनको डेजिग्नेट किया जाता है एज कंजर्वेशन एरिया इफ अनइनहैबिटेटेड एंड कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट यूज फॉर सब्सिस्टेंस बाय कम्युनिटीज. देखो कंजर्वेशन रिजर्व्स कौन से, कम्युनिटी रिजर्व्स कौन से होते हैं गाइस, सॉरी कंजर्वेशन रिजर्व्स कौन से होते हैं, जहाँ पे ऑनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अगर वो ऑन करती है किसी जगह को, कोई ऐसे एरियाज हैं जो जिसका जहाँ पे एरिया इज कम्प्लीटली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको कहलाते हैं कंजर्वेशन रिजर्व. ठीक है, अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे और इसी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर लैंड यूज हो रही है, प्राइवेट लैंड को अगर यूज किया जा रहा है, ठीक है, सो प्राइवेट लैंड अगर यूज होती है उनको हम बोलते हैं गाइस कम्युनिटी रिजर्व्स. ये थोड़ा सा फर्क भी है दोनों के बीच में, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में बेसिकली ऑनरशिप का फर्क है. राइट, ऑनरशिप का फर्क है. और आप आपको एक मैं प्रीलिम्स के लिए फैक्ट और बता देता हूँ, आई टेल यू फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स आल्सो, फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स आल्सो. अभी हमने बात की थी इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड की, सो बट विच एग्जैक्टली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्फरिंग ऑफ द इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, कौन देता है. इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इज कन्फर्ड एनुअली बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA. नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है गाइस वो देती है ये पर्टिकुलर अवार्ड. राइट, या ओके, शायद एक सेकंड कनेक्शन का कुछ इश्यू हो गया गाइस, आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स, आपके लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे हैं. ओके, बेटर नाउ, अभी ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है गाइस हमारा इंटरनेशनल स्टॉक टेकिंग कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर रिजर्वेशन, टाइगर कंजर्वेशन. राइट, सो हम सब जानते हैं गाइस विद द श्रिंकिंग हैबिटेट्स एक्सपर्ट्स ओपिन दैट इंडिया इज ऑलमोस्ट नियर इट्स कैपेसिटी टू मैनेज टाइगर्स. ये अब ये बात एक नई चल पड़ी है. ठीक है, एक ये डेमो चल एक ये बात अब चल रही है गाइस कि इंडिया अपनी मैक्सिमम लिमिट पे आ चुका है, जितने मैक्सिमम इंडिया टाइगर को मैनेज कर सकता है हम ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ चुके हैं. क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो कैपेसिटी है टारगेट को टाइगर्स को मैनेज करने की, तो वो 2,500 से 3,000 टाइगर ही है बस, दैट्स इट, इतनी ही हमारे पास कैपेसिटी है. अब अभी तक तो हम लोग क्या एफर्ट कर रहे थे कि टाइगर की पॉपुलेशन को कंजर्व करना है, टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है, एक्सक्यूज मी, एंड वी हैव सक्सेसफुली डिड दैट ऑल्सो. हम लोगों ने किया भी, टाइगर की जो है पॉपुलेशन को हमने बहुत कंजर्व किया. राइट, लेकिन यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम क्या आई कि जब हमारी मैनेजमेंट कैपेसिटी पे ही डाउट हो गया कि इतनी ही कर सकते हैं, अब ये एक नया चैलेंज है जो हमारे सामने आ रहा है. आप देखेंगे गाइस कि 25 से 35% 25 to 35 जो है परसेंट जो है ऑफ इंडियाज टाइगर दे आर नाउ लिव्ड आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज. लगभग 25 से 35% जो टाइगर आज हमारे देश में है वो प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर ही रह रहे हैं. राइट, सो अभी क्या हो रहा है, अभी अभी
रिसेंटली अटेम्प्ट ये किया गया जब हमने देखा कि हमने ट्रांसलोकेट करने का सोचा. सो अभी वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलोकेट द टाइगर्स. लेकिन हुआ क्या, जब हमने ट्रांसलोकेट किया नया जो ओडिशा का टाइगर रिजर्व बनाया है सतकोसिया के अंदर, जैसी सतकोसिया के अंदर किया, सतकोसिया के अंदर करते ही एक टाइगर की मौत हो गई. तो ये इतना इजी नहीं है. ट्रांसलोकेशन इज इन इटसेल्फ हैज अ प्रॉब्लम, राइट. अब हम बात करते हैं जरा इसी इंटरनेशनल स्टॉक टेकिंग कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे. तो हमने रिजल्ट और कंसर्न्स की बात की, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं. अभी ये क्यों न्यूज में आया, क्योंकि अभी थर्ड स्टॉक टेकिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर, अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में उसको कंक्लूड किया गया है. ये अपनी सीरीज की तीसरी थी, ठीक है. इससे पहले जो सेकंड हुई थी गाइज वो हुई थी 2012 के अंदर, सेकंड टू बी हेल्ड इन इंडिया आफ्टर 2012, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैव वाइड रेंजिंग डिस्कशंस ऑन द स्टेटस ऑफ ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम. और ये इसके पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, पार्टिसिपेंट है गाइज इसके 13 टाइगर रेंज कंट्रीज. तो क्वेश्चन ये आ सकता है आपको यहाँ से, जो मुझे क्वेश्चन आता नजर आ रहा है, यू पीपल प्रोबेबली वुड बी आस्क्ड बाय यूपीएससी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइगर रेंज स्टेट. ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. सो आपको ये स्टेट्स एक बार जरूर पता करनी है. अगर आप लोगों के पास मैप बुक अपने सामने है तो मैप बुक पे ऐसे मार्क कर लो, कुछ भी टाइगर का सिंबल बनाओ और इन कंट्रीज में मार्क कर लो, सो दैट आप लोगों को याद रहेंगी. ये याद रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. कौन कौन सी कंट्रीज है, बांग्लादेश है, भूटान है, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम. ये गाइस वो 13 कंट्रीज हैं जहां पे टाइगर मिलते हैं, इनके अलावा टाइगर नहीं मिलते हैं कहीं, ठीक है. दे आर टाइगर रेंज स्टेट्स. टाइगर रेंज का मतलब होता है जहां टाइगर मिलते हैं, जहां टाइगर की पॉपुलेशन मिलती है, राइट. और इसको होस्ट कौन करता है, ये जो हमने बात की अभी इंटरनेशनल स्टॉक टेकिंग कॉन्फ्रेंस की बात की, इसको इसका होस्ट कौन है, इसको होस्ट करता कौन है गाइस. वेल, इसको होस्ट करने वाला कोई और नहीं है बल्कि एनटीसीए, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो है उसने होस्ट किया है हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी. अब अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे गाइस, वेरी वेरी गुड यूपीएससी एडिक्टेड, बहुत बढ़िया. अब अगला जो प्रोजेक्ट हम बात करेंगे दैट इज गाइस तृष्णा गैस प्रोजेक्ट. अब तृष्णा गैस प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, क्यों हमें पता होना चाहिए इसके बारे में. वेल, टॉकिंग अबाउट द तृष्णा गैस प्रोजेक्ट गाइस, यू शुड नो दैट नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड NWB, सो नेशनल वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है गाइस, इट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द तृष्णा प्रोजेक्ट ऑफ ONGC, ठीक है. तृष्णा प्रोजेक्ट जो है ONGC का, उसने अभी अपनी अप्रूवल दी है विच फॉल्स इन द तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोमती डिस्ट्रिक्ट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है. वहां से ये न्यूज निकल के आती है. थोड़ी सी बात करते हैं आज नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के बारे में. सो नेशनल वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है गाइस, इट इज अ स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसको बनाया गया है. एंड दैट इज एन एपिक्स बॉडी टू रिव्यू ऑल द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स एंड अप्रूव्स द प्रोजेक्ट इन एंड अराउंड द नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, ठीक है. यही वो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ही है गाइस जो हमेशा रिव्यू करेगा जितने भी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर होंगे, एक्टिविटीज होंगी. अगर अप्रूव करना है किसी भी प्रोजेक्ट को, अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, तो बेसिकली नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ही है जो अप्रूव करता है. अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जैसे कि अभी आपको फर्स्ट लाइन में मैंने बताया कि रिसेंटली तृष्णा गैस प्रोजेक्ट के लिए जो ONGC का प्रोजेक्ट है जो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से निकलता है, उसके लिए अभी रिसेंटली अप्रूव किया है इन्होंने, राइट. अब बात करते हैं अगर कॉम्पोजिशन की, तो ये इंपॉर्टेंट है. MCQs में ये ऐसे पूछ सकते हैं क्योंकि सबसे पहले कंफ्यूजन आता है आपका चेयर कौन करता है. सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखना है. ये आएगा डायरेक्टली अगर क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा तो ऐसा. तो वाइस चेयरमैन कौन सा है, चेयरमैन तो है प्राइम मिनिस्टर. वाइस चेयरमैन कौन है, ये है यूनियन मिनिस्टर जो हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के, तो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है हमारे वो वाइस चेयरमैन, और चेयरमैन रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. और इसके ये जो मेंबर होंगे दे इंक्लूड 15
non-government members or 19 ex officio, thus government official as secretaries. हाँ जी बिल्कुल अनअकैडमी प्लस पे भी क्लास है गाइस, 10 बजे क्लास है। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो क्या कर रहे हो आप लोग, अभी तक जाओ और रजिस्टर करो अपने आप को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आई है, तो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे बात करनी बनती है। द तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन त्रिपुरा, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 में बनाई गई थी। वेजिटेशन कवर the four broad categories of tropical semi-evergreen forest, east Himalayan lower Bansarsal, moist deciduous, mixed deciduous forest और savanna woodland। ये चार तरह की vegetation मिलती है guys, ये चार तरह की vegetation मिलती है तृष्णा wildlife sanctuary के ऊपर। इतना deep में नहीं आएगा लेकिन फिर भी पता हो तो कोई बुराई नहीं है कि, और आपको अब आपको एक homework दे देता हूँ। आपको क्या homework करना है, आपको इन जो चार मैंने आपको बताई वेजिटेशन की चार कैटेगरीज बताई, आपको इनके ऊपर दो दो तीन तीन लाइंस लिखनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, पर दो दो तीन तीन लाइन लिख लो कि ईस्ट हिमालयन लोअर बंसार साल क्या है, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस क्या है, सवाना वुडलैंड क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्या है। तो इनके ऊपर आप फटाफट से जो है दो दो तीन तीन लाइन ज़रूर लिख लीजिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक गाइस जो हम लोग बात करेंगे, दैट विल बी अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सरिता सूद ने कर दिया है, वेरी वेल डन। वेल गाइस, कैन यू प्लीज, कैन समबडी प्लीज हेल्प अवनी वर्मा, अवनी वर्मा एंड पवन कुमार का मैं देख रहा था कि उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है रजिस्टर करने में। सो आई रिक्वेस्ट सरिता सूद जिन्होंने अभी रजिस्टर किया है, प्लीज आप अवनी वर्मा और पवन की आप हेल्प करें प्लीज। Yes, so Great Indian Bustard की हम लोग बात करते guys, so wildlife activities, they have called for the enforcement of recovery plan for country's most critically endangered bird, Great Indian Bustard। तो wildlife activist ने बोला कि एक recovery plan बनाया जाए Great Indian Bustard के लिए, and once the contender of becoming India's national bird, एक time ऐसा था guys, इतना ज़्यादा abundant था, इतना फेमस और पॉपुलर हुआ करता था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, किसको एक बार नेशनल बर्ड बनाने की सोची गई थी। लेकिन आज वही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है गाइस, नाउ इट इज फेसिंग एक्सटिंक्शन। और वैसे इसको कौन से स्केड्यूल में रखा गया, अब आपको ये क्वेश्चन बनता है यहां से ये वाला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बन के आता है गाइस, कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल 1, 2, 3 और 4 और 5। स्केड्यूल 1 के अंदर जिनको भी रखा जाता है उनको सबसे ज्यादा कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाता है, सबसे ज्यादा उन पे एफर्ट किए जाते हैं, राइट। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसको भी स्केड्यूल 1 में रखा गया है। स्केड्यूल 1 का मतलब हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन मिल रही है, राइट। और ऐसे ही साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, जैसे साइट्स जो है हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ ये स्पीसीज के लिए है साइट्स, उसके भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। और इसका IUCN स्टेटस क्या है गाइस, इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जो कि बुगुन लियोचिल्ला का भी था, राइट। राहुल सिंह गोदावन, ओके राहुल सिंह, कैन यू प्लीज टेल मी क्या इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बोलते हैं गोदावन, क्योंकि ये गोदावन वाला पॉइंट मुझे नहीं पता। तो एक कुछ नया कंट्रीब्यूट किया है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन दिया राहुल सिंह ने हमें, आई एम रियली हैप्पी व्हेन यू पीपल कंट्रीब्यूट टू द लेसंस। चलिए, और गाइज आपको पता होना चाहिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, लिखा भी है सामने मैंने, कि ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है, राइट। और इट इज आइडेंटिटी, यू नो वी हैव अ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आइडेंटिफाई करता है, फेंस ऑफ करता है बस्टर्ड ब्रीडिंग ग्राउंड्स को इन एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टेड एरियाज एज वेल एज द प्रोवाइड सिक्योर ब्रीडिंग इनक्लोजर्स। अब अगर मैं बात करूंगा इस प्रोटेक्टेड एरियाज में कहां कहां मिलता है आपको, मेनली कहां कहां मिल रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड,
अच्छा शर्मिला पुनिया कह रहे हैं गोदावन के नाम से, ठीक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गाइस आप लोग भी नोट कर लो, आप लोग भी सुन लो। बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय शर्मिला पुनिया एंड राहुल, उन्होंने बोला है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को राजस्थान में बोला जाता है गोदावन के नाम से, ठीक है। चलिए अब प्रोटेक्टेड एरियाज की जो मैं बात कर रहा था, सो ग्रेट द डेजर्ट नेशनल पार्क जो सेंचुरी है राजस्थान में वहां आपको मिलता है। फिर आपकी एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गाइस रोला पाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में, वहां भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश के करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने में मिलेगा, राइट। सो ये तीनों की तीनों इसलिए भी इंपॉर्टेंट याद रखने है गाइस आपको कि ये यहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है, पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कौन सी कहाँ पे है, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछी जा सकती है, बहुत बार पूछते हैं यूपीएससी वाले। सो डेजर्ट नेशनल पार्क से तो आप याद रख ही लेंगे, डेजर्ट से राजस्थान याद रख लो, रोला पाडू जो है आंध्र प्रदेश है, करेरा जो है मध्य प्रदेश है, यहाँ पे आपको नोट करना है। अगला जो टॉपिक होगा गाइज वो मैं बात कर रहा हूँ मगर क्रोकोडाइल के बारे में, थोड़ा सा स्पीसीज कंजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान रहेगा मेरा क्योंकि यूपीएससी ओरिएंटेड ज़्यादा ये स्पीसीज बहुत आती हैं। सो मगर क्रोकोडाइल के बारे में बात करते हैं। मगर क्रोकोडाइल जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्श क्रोकोडाइल, इसको हम मार्श क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, और ब्रॉड स्नाउटेड क्रोकोडाइल भी बोलते हैं। स्नाउट होती है जो ऐसे निकला होता है, मुंह जो निकलता है दैट इज कॉल्ड स्नाउट, लेकिन यहाँ पे ब्रॉड होती है, बड़े वाली स्नाउट निकली होती है इस क्रोकोडाइल की, मगर की। सो दैट हैज कम टू द सेंटर ऑफ रिन्यूड अटेंशन इन गुजरात वेयर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड इवैक्यूएटिंग मगर्स फ्रॉम टू पॉन्ड्स ऑन सरदार सरोवर डैम प्रीमिसेस ऑन नर्मदा टू फैसिलिटेट अ सी प्लेन सर्विस एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्योंकि अब सी प्लेन सर्विस बनाने जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास, तो वहां से मगर को निकाला जा रहा है, राइट। कुछ की फैक्ट्स की बात करें, सो ये जो मगर क्रोकोडाइल है गाइस, मगर क्रोकोडाइल ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका है भूटान से और म्यांमार से, ठीक है। और IUCN लिस्ट की बात करें, देखो हर एक स्पीसीज का नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जितनी कम से कम न्यूज में है, जितनी न्यूज में गाइस उनके आपको IUCN स्टेटस बाय हार्ट याद होने चाहिए, UPSC में पूछे जाने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो दे आर लिस्टेड एज वल्नरेबल, इनको बोलते हैं वल्नरेबल, और कब से वल्नरेबल है, आज से नहीं है, सिंस 1982 ऐसा ब्रांड हो गया है, तो मतलब वल्नरेबल सिंस 1982 मगर क्रोकोडाइल्स। और इनको भी कौन से लिस्ट में डाला गया गाइस, शेड्यूल वन में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में डाला गया है। ओके सो गोविंद मिश्रा जी ने कुछ बहुत इंफॉर्मेशन ऐड करते रहते हैं, गोविंद मिश्रा फेमस है हमारी क्लास में नई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। अभी उन्होंने बोला है जॉर्डन कर्जियर जो है वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिलता है। सो मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग गोविंद मिश्रा के कमेंट्स पे जरूर ट्रैक रखें, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो। अगला है गाइस हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने के लिए, दैट इज गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम। आप जानते हैं असम जो है, असम हैज अनाउंस द सक्सेस ऑफ द गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम इन द स्टेट। सो पहली बात तो स्टेट कौन सा है आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए, कि बात कर रहे हैं असम की, असम गोल्डन लंगूर से रिलेटेड आपको याद रखना है, ठीक है। सो गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है इट वॉज अंडरटेकन एट असम स्टेट जू इन गुवाहाटी, असम स्टेट जू गुवाहाटी में 2011-2012 के आसपास जो है स्टार्ट किया गया था ये जो गोल्डन लंगूर कंजर्वेशन प्रोग्राम है असम स्टेट के अंदर। गोल्डन लंगूर का जो स्टेटस है गाइस, IUCN जो स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड, क्रिटिकली नहीं है। देखो ये बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है, आपको लगेगा कि हर जो चीज़ को हम कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहा है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बट ऐसा नहीं है, हर चीज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने के बाद ही शुरू नहीं करते, इट्स मोर वाइजेबल कि आप ऑलरेडी थोड़ा सा पहले से शुरू कर दें, एंडेंजर्ड है तब भी शुरू कर दें, तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा, राइट। और अपार्ट फ्रॉम द 60 स्क्वायर माइल एरिया इन नॉर्थ वेस्टर्न असम, थोड़ी बहुत छोटी छोटी जो पॉपुलेशन है गोल्डन लंगूर की वो त्रिपुरा के अंदर भी मिलती है और ऊपर भूटान के अंदर भी मिलती है, तो भूटान में भी आप जाएंगे कभी घूमने तो गोल्डन लंगूर मिल सकते हैं, असम और त्रिपुरा में तो मिलते ही हैं, बट मेजर जो मेजर चंक है वो असम के अंदर ही मिलेगा। ओके शुभम शिवाकर ने भी, उन्होंने एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूट की है कि इंडिया में
तीन तरह के क्रोकोडाइल होते हैं गाइस, एक होता है घड़ियाल, एक होता है मगर जिसकी हमने अभी बात की, एक होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, तो वेरी गुड, वेरी थैंक यू सो मच शुभम। अगला जो अगली हम बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे गाइस वो है सरस क्रेन। अब ये क्यों न्यूज में है? नाउ द सरस क्रेन हुज नंबर पुश्ड द एज बाय हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड ह्यूमन कैलेसनेस नाउ सीम्स टू बी गेटिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ इन उत्तर प्रदेश वेयर एंजॉय स्टेटस ऑफ ऑफिशियल स्टेट बर्ड। सरस क्रेन बिल्कुल अपने एंड पे आ गई थी, बिल्कुल अपने एज पे आ गई थी गाइज, इतना ज्यादा डिग्रेडेशन हो गया था, बट लकीली एंड फाइनली जो है अभी वापस से ये थोड़ा सा वापस से फॉर्म में आ रही है, वापस से फॉर्म में आ रही है, क्योंकि ये अब एंजॉय करती है स्टेटस किस चीज का, ऑफिशियल स्टेट बर्ड का, ऑफिशियल स्टेट बर्ड का स्टेटस एंजॉय करती है सरस क्रेन। ये आपको पता होना चाहिए। लाइक ओके, नाउ द पॉपुलेशन की अगर हम बात करें गाइस, सो द पॉपुलेशन ऑफ द सरस क्रेन, पॉपुलेशन ऑफ सरस क्रेन बर्ड डिस्टिंग्विशेबल बाय इट्स रेड अपर नेक। बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको क्यों कहां पे काम आएंगी ये इन्फॉर्मेशन। कई बार क्वेश्चन आपका ऐसा आता है गाइस, क्वेश्चन में आपको बोला होता है आइडेंटिफाई द स्पीसीज, कुछ आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड है, जो सरस क्रेन है वो टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है पूरी दुनिया का, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अपर रेड अपर नेक होती है और व्हाइट कॉलर होता है, राइट, ये इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है। ठीक है, या परविंदर सिंह ने भी वही चीज अभी कॉन्ट्रीब्यूट की है, सरस क्रेन इज वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड एंड इट इज ऑल्सो इंडियाज ओनली रेजिडेंट ब्रीडिंग क्रेन। इंडिया के सिर्फ एक क्लौती रेजिडेंट ब्रीडिंग क्रेन है सरस क्रेन। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो क्या होगा, सुजाता गायकवाड़ ने पहले ही बता दिया है वो है वल्नरेबल स्टेटस, राइट, वल्नरेबल स्टेटस है इसका। एंड इट हैज थ्री डिस्टिंक्ट डिसजंक्ट पॉपुलेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मिलती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो मिलती है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। एंड गाइस, इससे पहले मैं अगली स्पीसीज डिस्कस करूं, इस मंथ की हार्डली एक या दो डेमो क्लासेस और बची हैं, सो अगर आप लोगों ने अभी तक अवेल नहीं किया डेमो क्लास अनअकैडमी प्लस का, सो गाइज आई एम श्योर यू विल मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आके फ्री डेमो क्लास भी आपने अटेंड नहीं की गाइज, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है आपको, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। जो लोग ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं उनको पता है कि हम क्या क्या टॉपिक्स वहाँ डिस्कस करते हैं, तो ज़्यादा क्लासेस बची नहीं है, तो अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करें। आज की क्लास में मैप मार्किंग की तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, जहाँ पे हम लगभग एक घंटे से ज़्यादा ही मैं कराऊंगा, वैसे 160 मिनट की क्लास होती है, यूजुअली आई टेक इट 90 मिनट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मज़ा आता है, साथ में डिस्कस करते हैं। और मैप मार्किंग में बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, सो ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें आप, राइट। अब हम बात करते हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व की, जो उड़ीसा में है, जहाँ पे हमने देखा कि अभी अभी जो ट्रांसलोकेशन के टाइम जो है अनफॉर्चुनेटली एक टाइगर की डेथ हो गई थी, राइट। थैंक यू सो मच गायत्री, दैट मीन्स अ लॉट, योर कमेंट्स एंड ऑल दैट मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। और अनअकैडमी प्लस पे आएंगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है, और ज्यादा आप लोग को मजा आएगा, राइट, क्योंकि वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, ज्यादा अच्छे से डिजाइन किया गया है। सो बात करते हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व की, यहाँ पे टू ट्रेन एलिफेंट्स दे विल बी यूज टू पेट्रोल ओडिशाज टाइगर रिजर्व, और इनका काम क्या है, क्योंकि ये चाहते हैं सारा एनवायरमेंट वगैरह को देखना, ताकि रीइंट्रोड्यूस किया जा सके टाइगर को, इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज में चल रहा है। एलिफेंट लाए कहाँ से जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि एलिफेंट्स को कहाँ से लाया जा रहा है। दे आर ब्रॉट फ्रॉम सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ओडिशा में ही है, ओडिशा के ही सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से सतकोसिया टाइगर रिजर्व के अंदर ट्रांसलोकेशन चल रहा है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी सी बात करें तो कब एस्टैब्लिश किया गया है, पुराना है, 1976 में, लेकिन उस टाइम पे एस्टैब्लिश किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एरिया को डिक्लेयर किया गया सतकोसिया टाइगर रिजर्व 2007 के अंदर, राइट। सो जो ये इस तरह के फैक्ट्स होते हैं, कई बार ये बोल देते हैं आपको गाइस कि 2007 के अंदर एस्टैब्लिश की गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, कंफ्यूजन होता है इनमें। सो आपको याद रखना है कि 76 में ओरिजिनली एस्टैब्लिश की गई सतकोसिया,
जहाँ पे एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन टाइगर रिजर्व बनाया गया 2007 के अंदर. सतकोसिया इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बायो जियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, जहाँ ईस्टर्न घाट्स और डेक्कन पेनिनसुला जहाँ मिलते हैं. ईस्टर्न घाट्स जो शुरू होते हैं गाइस आपके सुबनसरी ब्राह्मणी जो रिवर है, ब्राह्मणी रिवर से शुरू होते हैं और नीलगिरी तक आते हैं. सो ब्राह्मणी रिवर का जो पॉइंट है यानी ईस्टर्न घाट की शुरुआत जहाँ पे है और डेक्कन पेनिनसुला का एंड, तो यहाँ इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है सतकोसिया टाइगर रिजर्व. इस इंफॉर्मेशन की वजह से इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू प्रिपेयर, बिकॉज इफ बाई चांस यू आर गिवन द आंसर. अगर मैं पेपर सेट करता तो मैं ऐसे करता, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला एंड ईस्टर्न घाट्स, तो मैं ऐसे डिजाइन करता. तो आप देख लिए, आप देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, राइट. एंड दिस पर्टिकुलर एरिया गाइस, सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो पार्ट ऑफ महानदी एलिफेंट रिजर्व. ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं गाइस, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की. अब ये क्यों न्यूज में है, क्यों हमें जानना जरूरी है? वेल, राजस्थान्स फर्स्ट लायन सफारी हैज बीन इनॉग्रेटेड एट नाहरगढ़ नेशनल पार्क. तो राजस्थान की पहली अपनी लायन सफारी जो शुरू हुई है वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शुरू हुई है. ये कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ है गाइस? दिस इज लोकेटेड ऑन दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे इन द अरावली फुट हिल्स. लगभग जयपुर से 12 किलोमीटर पड़ता है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क. लायंस इन दिस पार्क वर ब्रॉट फ्रॉम जूनागढ़, गुजरात से लेके आए थे अंडर एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर. और इसके अंदर जो है बहुत सारे ब्रीडिंग लायंस को रखा जाएगा एंड इट विल ऑल्सो गोइंग टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट. इट प्रोवाइड्स न्यू हैबिटेट टू द लायंस एंड ऑल्सो एड टूरिज्म वेन्यू टू द पिंक सिटी. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल गोविंद मिश्रा, 4 किलोमीटर लायन सफारी, बिल्कुल सही है. अब अगली बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के बारे में. अब स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है, क्या हमें पता होना चाहिए, आपको बता देता हूँ. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वही जिसके चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रिसेंटली एडेड 4 न्यू स्पीसीज इन द सेंटर्स रिकवरी प्रोग्राम. अब क्योंकि और ये देखो कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज. जितनी भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो है ये रिकवरी प्रोग्राम बनाया गया है. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ऐड कर दी उसके अंदर 4 और स्पीसीज. तो वो जो चारों जो स्पीसीज ऐड की गई हैं, आप मान के चलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो गाइस इन्हीं चारों स्पीसीज के ऊपर आने वाले. सो मैं चाहता हूं कि आप इन चारों स्पीसीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें. आई वॉन्ट एवरी वन टू एटलीस्ट राइट 5-5 पॉइंट्स. हर एक स्पीसीज के बारे में 5-5 पॉइंट लिखिए, ठीक है. सो राइट 5 पॉइंट्स ऑन ईच ऑफ देम. वन इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, ये ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल भी बोलते हैं इसको, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन को ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल. एक है आपका क्लाउडेड लेपर्ड. Then we have Arabian Sea Humpback Whale and fourth one we have as a Red Panda. So guys, ये आपके जो चार species जो add की गई हैं, question इन्हीं में से आएगा, इनमें से ज़रूर आएगा और आपको पता होना इसीलिए. और ये क्योंकि न्यूज़ में है, species recovery program पे question आ सकता है, National Board for Wildlife के ऊपर भी question आ सकता है, right? So यहाँ पे species recovery program का थोड़ा सा मैं आपको brief अगर दूँ, so this program of Union Ministry of Environment, it is implemented under integrated development of the wildlife habitat. ये जो हमारे एक umbrella term है guys, एक बड़ा सा हमारा centrally sponsored umbrella scheme है, integrated development habit wildlife habitat. क्यों, किस चीज़ को target करती है, क्यों हम लोग इतना focus करते हैं integrated development wildlife habitat पे? Because we want to manage and conserve the park, wildlife habitats and conservation. इनको क्योंकि हम लोग target करते हैं, इसलिए ये program बहुत ज़रूरी है, important है. तो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम ठीक है, कौन करता है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ओके. किसके अंडर करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. ये खुद क्या चीज़ है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. कंफ्यूज करने का एक तरीका है, सेंट्रल सेक्टर बोल देंगे इसको,
डिफरेंस क्या है सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल स्पॉन्सर में, मैं हमेशा बताता रहता हूँ. सेंट्रल स्पॉन्सर का मतलब होता है फंड का डिवीजन किया जाएगा, शेयरिंग होगी फंड्स की सेंट्रल स्टेट के बीच में. सेंट्रली सेक्टर स्कीम का मतलब होता है 100% फंडिंग आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे कौन सी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल स्टेट्स के बीच में डिवीजन है पैसों का, फंडिंग का मतलब. और क्यों हम चाहते हैं, ये करता क्या एग्जैक्टली ये प्रोग्राम, ये मैनेज करता है कंजर्व करता है पार्क को, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को, कंजर्वेशन को, राइट. ये प्रोग्राम को शुरू किया गया गाइस 2008-2019 के अंदर इस प्रोग्राम को शुरू किया. और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है इट इज मेंट फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसके अंदर नेशनल पार्क भी आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व, बस टाइगर रिजर्व्स नहीं आते. ये ध्यान दीजिएगा कौन सी चीज नहीं आती. तो क्वेश्चन अगर मुझे एमसीक्यू बनाना होता तो मैं यहाँ एमसीक्यू में लिखता दैट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोटेक्टेड एरिया एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे दे सकता था, या इट गिव्स प्रोटेक्ट सपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास ऑप्शन होते ये सारे, लेकिन टाइगर रिजर्व उसका अंदर नहीं आना चाहिए, ये याद रखिएगा. और ये वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है गाइस, वो भी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करता है जो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज की है, ठीक है. ये इसका बड़ा खास एक पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज एंड रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट्स, ठीक है, क्लियर हुआ आपको. अब आप लोग अपनी खुद की चैट कर रहे हैं, मेरा सुन भी रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. अगर ये समझ लोगे ना कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनाने समझ गए तो खुद ही इतने क्वेश्चन डिजाइन कर दोगे कि एमसीक्यू में कभी मार नहीं खाओगे, समझ रहे हो. हमेशा जब भी क्वेश्चन को पढ़ोगे गाइस, हमेशा जैसे क्वेश्चन को पढ़ते हो अपने आप से पूछो कि अगर मुझे एमसीक्यू बनाना होता मैं इसका कैसे एमसीक्यू बनाता. क्योंकि जो लोग बना रहे हैं वो रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं, वो भी आप ही तरह पढ़ के ही बना रहे हैं, राइट. सो आपको हमेशा सोचना है, कोई भी चीज़ पढ़ते हो थिंक अबाउट दैट कि इस चीज़ का एमसीक्यू कैसे बन सकता है. अच्छा मुझे बनाना होता तो मैं कैसे बनाता, ठीक है. तो ये बहुत ज़रूरी है, ये स्किल. अगर आपको क्वेश्चन बनाने आ गए ना, अगर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म करने आ गए, यकीन मानो या तो प्रीलिम्स क्लियर कर दोगे, और अगर प्रीलिम्स बाई चांस क्लियर नहीं हुआ तो पैसे बहुत कमा लोगे एमसीक्यू बनाने के, बहुत पैसे मिलते हैं मार्केट में, ठीक है. चलो अब हम बात करते हैं स्पीसीज जो ऑलरेडी इस रिकवरी प्रोग्राम के अंदर हैं, जो चार ऐड की हैं वो तो हमें पता है, जो चार अभी ऐड हुई हैं, उनके अलावा कौन कौन सी स्पीसीज ऑलरेडी इस प्रोग्राम के अंदर हैं, उनको भी दो दो लाइन जरा देख लेना, उनके बारे में भी दो दो चीज़ें जरूर देखना. स्नो लेपर्ड इसके अंदर आता है गाइस, बस्टर्ड इसके अंदर आता है, डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरी ताहर, मरीन टर्टल्स, डुगोंग, एडिबल नेस्ट, स्विफ्टलेट, एशियन वाइल्ड बफेलो, निकोबार जो है, मेगापोड, मणिपुर ब्राउ एंटलियर डियर, वल्चर्स, मालाबार सिबिट, इंडियन रेनेसरोस, एशियाटिक लायन, स्वैम्प डियर, जर्डन स्कर्जर, जो कि आंध्र प्रदेश में अभी बताया था गोविंद ने, तो उसका नाम भी आ गया जर्डन स्कर्जर का. इंडिया इज, याद रखना एक चीज़ और, इंडिया इज ऑल्सो ए पार्टी टू द वाइल्ड लाइफ, इंडिया इज ए पार्टी टू इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन दैट इज कमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वेल्स एंड इट्स हैबिटेट्स. ये भी याद रखना गाइस कि इंडिया को मैं अलग कर रहा हूँ सेपरेट, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो ये लाइन ध्यान रखिएगा, इंडिया इज अ पार्टी टू इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जो कमिटेड है प्रोटेक्शन ऑफ वेल्स एंड हैबिटेट्स इन इंडियन वाटर्स, राइट, ठीक है. हाँ जी बिल्कुल अमित, ये सब के सब एंडेंजर्ड है, इसीलिए तो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा बनी है, अदरवाइज क्यों इनको हम रिकवरी प्रोग्राम में डालते, राइट. दे ऑल आर हैविंग सम, यस बिल्कुल. शुभम ने बहुत सही बात बोली है कि जापान ने अभी रिसेंटली विड्रॉ किया है फ्रॉम इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन, बिल्कुल इन्होंने विड्रॉ किया है गाइस, ठीक है. नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं. सर वॉन्ट टू बी रिवाइज एट लास्ट टाइम, हाँ रिवाइज तो करना ही पड़ेगा गाइस, रिविजन के बिना तो नहीं होगा. सरिता सूद ने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूट की है नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन के बारे में गाइस, तो पढ़ लीजिए, सब लोग को मैं सजेस्ट करता हूँ सरिता सूद का कमेंट आप जरूर पढ़ लीजिए.
नीलगिरी ताहिर गाइस आज का लास्ट टॉपिक है, नीलगिरी ताहिर के बारे में बात करते हैं। एज पर द लेटेस्ट स्टडीज क्लाइमेट चेंज इज थ्रेटनिंग द नीलगिरी ताहिर। इट इज एस्टिमेटेड टू दैट द एंडेंजर्ड वाइल्ड गोट कुड लूज अप अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ इट्स हैबिटेट स्टार्टिंग फ्रॉम 2030 से शुरू हो जाएगा। और लगभग लगभग जो नीलगिरी ताहिर के ऊपर खतरा ये है कि अगले आने वाले 10 सालों के बाद 60% अपना जो हैबिटेट है गाइस, 60% हैबिटेट जो है अपना खो बैठेगी नीलगिरी ताहिर। एंड देर आर ओनली अराउंड 2500 ताहिर लेफ्ट इन द वाइल्ड एंड देयर पॉपुलेशन स्मॉल एंड आइसोलेटेड मेकिंग देम वल्नरेबल टू द लोकल कंडीशन। पहले ही सिर्फ 2500 बची है और 2500 बची है वाइल्ड के अंदर, राइट? और उनकी पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल है, कम है, आइसोलेटेड, अलग अलग है। 2500 भी इकट्ठी नहीं है, अलग अलग है। इससे ज्यादा वल्नरेबल बन जाती है वो लोकल एक्सटिंक्शन के, लोकल एक्सटिंक्शन से ज्यादा वल्नरेबल बनती है, ठीक है? और नीलगिरी ताहिर के बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स गाइस। हाँ तो परविंदर, मैं समझा नहीं, प्रीवियस ईयर यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट लाला लाजपत राय एज ही वॉज एसोसिएटेड विद पंजाब नेशनल बैंक, तो इसमें इसका एनवायरमेंट से क्या कनेक्शन, मैं पूछ, मैं समझा नहीं आपका, आपकी आप क्या कहना चाह रहे हैं, एनवायरमेंट में हिस्ट्री कहाँ से लिया है बॉस? क्वेश्चन नंबर नीलगिरी ताहिर के बारे में हम बात कर रहे थे गाइस। सो कुछ की फैक्ट्स, IUCN स्टेटस इसका है एंडेंजर्ड, ध्यान रखिएगा। इसको लिस्ट किया गया है गाइस शेड्यूल 1 के अंदर, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शेड्यूल 1 के अंदर, तो जाहिर सी बात है काफी हाई लेवल प्रोटेक्शन हम इसको दे रहे हैं, राइट? एंडेमिक है, कहाँ पे मिलती है? सिर्फ और सिर्फ एंडेमिक का मतलब होता है किस पर्टिकुलर जगह पे इसके मिलने के चांसेस होते हैं। सो एंडेमिक है नीलगिरी हिल्स के एंड द सदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट जो है वहां, और दिस इज एंडेमिक टू द नीलगिरी हिल्स। यहाँ पे आपको मिलेगी तमिलनाडु केरला के अंदर आपको मिलती है। स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ये भी आपको ध्यान, यस बिल्कुल, देखो सुजाता गायकवाड़ ने पहले बोल दिया, दैट इज रियली गुड। जो तमिलनाडु उसका स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहिर गाइस, और करंटली द ओनली पॉपुलेशन विद मोर देन 300 इंडिविजुअल्स। कोई ऐसी जगह जहाँ पे 300 से ज्यादा इकट्ठे एक साथ हैं गाइस, वो कौन सा नेशनल पार्क है? दैट इज इराविकुलम नेशनल पार्क एंड द ग्रास हिल्स ऑफ अन्नामलाई। अन्नामलाई जो है दैट इज अन्नामुडी, अन्नामलाई हिल्स जो है गाइस, ठीक है, अन्नामलाई हिल्स है, वहाँ आपको मिलती है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन, वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल, नील कुरिंजी जो 12 साल में शायद एक बार ब्लूम करता है ना, दैट इज 12 इयर्स में एक बार ब्लूम करता है गेस, उसके बारे में जरूर पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उसी की वजह से जो है गाइज शायद नीलगिरी जो है नीला दिखता है ना, ऐसा कुछ कंसेप्ट भी है उस नील कुरिंजली जो है फ्लावर की वजह से। यस, अन्नामुडा इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स, ट्रू वरियादू। चलो ठीक है गाइज, सो इट वॉज अ ग्रेट सेशन। अभी मैं आज एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाऊंगा बिकॉज 10 बजे हमारा एक और सेशन है, तो मैप मार्किंग के लिए मिलते हैं। मैप मार्किंग पे आइए गाइज, मैप मार्किंग अटेम्प्ट कीजिए, फ्री डेमो क्लास है अनअकैडमी प्लस पे, लेकिन फटाफट आपके पास सिर्फ लास्ट हाफ एन आवर बचा है, रजिस्टर कीजिए अपने आप को। रजिस्टर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को आज ही अभी के अभी रजिस्टर कीजिए एंड यू गाइज विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न इन माई क्लासेज। अनअकैडमी प्लस को खुद एक्सपीरियंस कीजिए, अनअकैडमी प्लस पे आपको आइडिया होगा हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, क्या प्लेटफॉर्म है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग everyone टू कम देयर एंड मीट मी अप इन द अनअकैडमी प्लस फ्री डेमो क्लास। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ वेरी लवली सेशन गाइज। टुमारो प्रोबेबली मे बी शायद क्लास ना हो, सम एमरजेंसी इज देयर, सो कल शायद क्लास ना हो, तो मे बी मैं अब आपको मिलूंगा मंडे को, शायद अब मंडे को अगली मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अगर कल होगी तो आपको पता चल ही जाएगा, अदरवाइज शायद कल की क्लास में कैंसिल करूँ। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, एंजॉय करते रहो, आज मैंडेट आया है, इंडिया की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करो और आने वाले सालों में दुआ करो कि ये इंडिया की जो स्पिरिट है वो स्पिरिट एज इट इज रहनी चाहिए। कोई पार्टी रूल करे, कोई कलर रूल करे,
उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि क्या इंडिया के जो बेस्ट इंटरेस्ट हैं उनके हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ। इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करे फिर चाहे कोई भी सरकार करे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देश में बंटवारा नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटीज़ के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। एक एक आदमी जो अपने घर में बैठ के पहले एक हेल्दी बातें करता था, आज वो किसी और को, किसी और के धर्म पे कटाक्ष ना करे, किसी और के बारे में खराब ना बोले। मुझे घर से बाहर निकलते वक्त ये सोचना ना पड़े कि कहीं कोई दंगा ना हो जाए, कोई मॉब लिंचिंग ना हो जाए, मैं घर वापस लेटूंगा या नहीं। मुझे खाना खाने से पहले सोचना ना पड़े कि कोई मेरे घर पे आके चेक तो नहीं करने वाला कि मैं क्या खा रहा हूँ या नहीं। या मुझे अपने तौर तरीके ना बदलने पड़े इस देश में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि ये देश सबका देश है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है गाइस, और मुझे नहीं लगता कि इसकी जो स्पिरिट है वो किसी को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी रूल करे, सबके लिए बेस्ट विशेज हैं। बस मिल करके चलें, ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चलें, और जो हाई होप्स हमने दी हैं बीजेपी को, इतना बड़ा हमने काम दिया है, बीजेपी मैंडेट, एनडीए को हमने इतना बड़ा जिम्मेवारी सौंपी है मोदी जी के नेतृत्व में, उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा हमें अगले 5 साल में और भी बेहतर हिंदुस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद गाइस।